नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बांदा जनपद के बबेरू के मुख्य चौराहे पर अपना दल का क्रमिक अनशन पांचवें दिन जारी रहा। उपजिलाधिकारी ने अनशन स्थल आकर अनशनकारियों से वार्ता की और समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिया। SDM ने बताया कि बबेरू, कमासीन व बसंडा के खंड निवासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अन्ना गोवंश सड़क खेत में नहीं दिखना चाहिए। सभी अन्ना गोवंशों को गौशालाओं में बंद कराया जा रहा है। अपना दल युवा मंच जिला अध्यक्ष मनीष पटेल का कहना था कि जब तक गांव-गांव में अन्ना पशुओं को संरक्षित नहीं कर दिया जाता, तब तक अनशन खत्म नहीं करेंगे। अपना दल के प्रदेश सचिव जयकरण पटेल, मंडल अध्यक्ष यशवंत पटेल, चंद्रप्रकाश पटेल, चंदू युवा मंडल अध्यक्ष हरिशंकर शिवसाकर, अमर पटेल, दयाराम बाबा ने चेतावनी दी कि अन्ना प्रथा बंद किए बगैर अनशन खत्म नहीं करेंगे। आज अनशन में कौन कौन अधिकारी आए? आज अनशन का हमारा पांचवा दिन था। SDM महोदय भी आए थे, उन्होंने हम लोगों से बताया। मैं भी कई गांव का दौरा करके आया हूँ। अन्य पशुओं को गौशाला में संरक्षित बहुत जल्द कराया जा रहा है। हम लोगों ने कहा कि महोदय, बबेरू क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक एक गाय को गौशाला में बंद करवा दें, जिससे किसान अन्ना प्रथा से मुक्त हो जाए। उन्होंने अनशन खत्म करने की बात कही। हमने कहा जब तक हमको देख नहीं लेंगे हम खुद जाकर, तब तक हम भरोसा नहीं करेंगे। अभी अनशन निरंतर जारी रहेगा। जब हमको लगेगा, दिखेगा कि अन्ना पशु गौशालाओं में संरक्षित कर दिए गए हैं, तो हम अनशन को खत्म कर देंगे और हम अपने क्षेत्रीय किसानों की ओर से, अपना दल जिला इकाई बांदा की ओर से, मैं अपनी ओर से, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय प्रशासन का आभारी रहूंगा। अब तक क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि 2 से 3 दिन में हम व्यवस्था पूरी तरह अन्ना पशुओं को संरक्षित कर रहे हैं। हमने कहा 2-3 दिन और बैठे हैं, जब व्यवस्था पूर्णतः हो जाएगी तो अनशन खत्म कर दिया जाएगा। आपका नाम पद क्या है? मनीष पटेल, अपना दल युवा मंच जिला अध्यक्ष बांदा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए R9 भारत।